गाइड में। अच्छा क्योंकि आज के ब्लॉग में तो मतलब मजा आ गया भाई। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि मैं उससे मिल पाया हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के कारण हम लोग मिल ही नहीं पा रहे थे, और प्लस उसका थोड़ा कुछ काम भी उसने चालू किया है नया, तो वो वहीं बिजी रहता था। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब फाइनली आज मौका मिला है जाने का, और शायद वो घर पे भी हो। मैंने कॉल किया तो उठाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं चला गया, क्योंकि उस साइड तो जाना ही था, फिर अपन को घूमने तो निकलना ही था। मतलब जरूरी है यार घूमना, घूमे बिना अपनी जिंदगी अधूरी लगती है। तो फिर मैं पर्व के आ गया और फिर ये सारी चीजें हुई। तो पूरा ब्लॉग ध्यान से देखो और उसके बाद कॉमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा। और आज तो बाजूका क्या साउंड, मतलब अलग ही बैक रहा था। मैं बता रहा हूँ, एक चीज बता देता हूँ, वहां पे जितनी गाड़ियां खड़ी थी वहां पे ट्यू करने लग गई थी। मतलब वो देख के इतना अच्छा फील होता है कि ये मेरी वजह से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज आज का पूरा ब्लॉग ध्यान से देखो, फिर कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। और बैकग्राउंड चेंज कर लिया अपन ने, तो थोड़े दिन में यूट्यूब स्टूडियो बनने वाला है अपना। तो या विश मी लक, सी यू। अभी बज गए 6:11 और अभी अपन निकले हैं पर्व के घर के लिए। तो मैंने बोला काफी टाइम हो चुका है पर्व से मिले हुए, तो आज उस साइड घूम के आए, न्यू मार्केट साइड जाते हैं अपन और देखते हैं क्या माहौल है, कैसा क्या चीज़ें देखने को मिलती है अपन को। बाकी आज पर्व के घर जा रहे हैं और पर्व से मुलाकात करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और अभी क्या लॉकडाउन का वगैरह लग गया था, तो उसके पहले से ही हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बस वो एक बार बीच में गया था तो उसका ब्लॉग डाला था इवन, तो बस उसके बाद से मुलाकात ही नहीं हुई। तो आज फिलहाल न्यू मार्केट जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या माहौल होता है। सो स्टे ट्यून्ड। आज दोपहर में बारिश हुई थी, फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई। काफ़ी टाइम हो गया कि बारिश अभी तक तो नहीं गिरी है, बट ये है कि फिर भी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बादल तो अभी भी छाए हुए हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, अभी तो कोई भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए, लेकिन फिर भी अपन जाएंगे तो ज़रूर उस साइड। तो अभी अपना फ्यूल कम हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ फ्यूल डलवा लिया जाए। तो अभी पहले अपन जाते हैं और फुल टैंक करवा लें एक बार, उसके बाद जाएंगे कहीं और। तो पहले अपन शाहपुरा पेट्रोल पम्प जा सकते हैं और फुल टैंक करा लेते हैं, कि अभी फ़िलहाल तो उसी चीज़ की ज़रूरत लग रही है मुझे। तो आ गए अपन पेट्रोल पम्प और यहाँ से फ्यूल डलवा लेते हैं एक बार फटाक से। फुल टैंक कर देना क्या? हाँ बताऊंगा जब रुक जाना, जाली लगी है तो देख लेना। तो फ्यूल अपन ने पूरा करवा लिया है फुल टैंक, और ये ट्रिप अपने आप एडजस्ट होती है फुल टैंक पे, ये ट्रिप अपने आप हो जाती है। बीबी कर देते हैं अपन कभी एवरेज, वैसे तो मैं देखता नहीं हूँ एवरेज, लेकिन कभी कहीं ब्लॉग में कहीं ज़रूरत पड़ी तो कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से। तो अभी 7,664 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक, और अब अपन जा रहे हैं पर्व के घर। तो वहाँ तक जाते जाते तो हो जाएगा, शायद 7,700 हो जाना चाहिए, या वहाँ से आते आते तक हो जाएगा आई थिंक आज। तो अब अपन जाने वाले हैं शाहपुरा होते हुए पर्व के घर, यानी कि शाहपुरा होते हुए न्यू मार्केट साइड। तो लिंक रोड होते हुए जाएंगे आज अपन, काफ़ी दिन हो गए लिंक रोड पे नहीं गए, तो थोड़ा बहुत ज़रा गाड़ी को मतलब रपेट दें, वो एक बार मिले थे ना भाई, रपेट दो ज़रा। तो अब अपन थोड़ा सा गाड़ी आज रपेट दें, बहुत टाइम हो गया है गाड़ी रपेट ही नहीं, अपन ने नॉर्मल घूम रहे हैं। आज तो चाय भी नहीं पी यार घर पे भी, और अब निकला हुआ हूँ तो मैंने सोचा ज़रा चाय पी लें। अब देखते हैं कि चाय कौन सी अच्छी जगह मिल जाए अपन को, वहाँ जाके पियेंगे। तो अभी तो अपन फ़िलहाल यहीं घूम रहे हैं,
देखते हैं, अगर उस साइड जाना होता है तो फिर क्या माहौल होता है आज का। अपन कहाँ चाय पियेंगे आज तो कुछ फिक्स नहीं है। तो अभी अपन आ गए हैं बिट्टन मार्केट ग्राउंड, और यूजुअली यहाँ पे कुछ चलता ही रहता था, लेकिन अभी कोरोना टाइम से, जब से कोरोना आया है तब से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं तो कभी क्या बोलते हैं अपना ऑटो एक्सपो वगैरह या कभी कुछ ना कुछ होता रहता था। बट अभी तो स्टंप गड़े दिख रहे हैं मुझे, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बढ़िया है भाई, खेलने दो, इन्जॉय करने दो। ट्रैफिक पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है जो गाड़ियाँ उठाती है पिकअप वाली, और उसी की वजह से रोड जाम हो गया। देखो आधे से ज़्यादा जाम तो उसी की वजह से लगा हुआ है। ओ भाई साहब, काफ़ी आगे तक का जाम लगा हुआ है, क्या करें, अपन जाएँ उस तरफ भी नहीं जाएँ, या एक काम करते हैं अपन अंदर वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन अब नाउ इट्स टू लेट, अब अपन मेन रोड पे आ गए तो अब मेन रोड से ही चलते हैं, कर लेंगे अपन ट्रैफिक क्लियर। बस यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल जाएँ, यहाँ तो जगह ही नहीं है दोनों साइड। वो देखो वो आगे कार वाला अलग बीच में फंसा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा तो जगह छोड़ो टू व्हीलर वालों को निकलने की। जैम लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो लंबा चौड़ा जैम लगा है काफ़ी ज़्यादा। अरे भाई साहब काफ़ी ज़्यादा लंबा जैम नहीं हो गया ये, मतलब भोपाल के हिसाब से तो ये देखो क्या जैम लगा है भाई, कहाँ से चालू हुआ है जैम, अभी देखो कहाँ तक चल रहा है, ये देखो यहाँ तक, और बल्कि और गाड़ियाँ आ ही रही है, बढ़िया है भाई। आजकल जब से कोरोना हुआ है तब से तो जैम ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुझे, सब क्योंकि फोर व्हीलर निकाल रहे हैं ना यार, जो पहले टू व्हीलर से भी घूमता था वो भी आजकल फोर व्हीलर निकाल लेता है ताकि थोड़ा सेफ फील हो उसे। बट सेफ्टी खैर फोर व्हीलर से थोड़ी सी और अश्योर हो जाती है कहीं ना कहीं, बट ये है कि फिर भी बाकी सैनिटाइज़र मास्क वगैरह आपको रख के ही जाना चाहिए। तो अभी अपन जाएंगे पहले एम पी नगर साइड से फिर अपन पर के घर चलेंगे, तो पहले अपन एम पी नगर साइड घूम लेते हैं एक बार राउंड मार लेते हैं, ऐसा कहना चाहिए। पता नहीं क्यों अजीब सी वाइब्स आ रही है, तो मन ही नहीं हो रहा भगाने का भी, ऐसा लग रहा है बस आराम से चलने दो पीसफुली। तो अब अपन लिंक रोड पे भी पीसफुली चलाएंगे ऐसा सोच रहा हूँ मैं, देखते हैं माहौल देख के समझते हैं क्या करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा अब अपन स्पीडिंग करेंगे, मज़ा आ जाता है लिटरली। ये मिलता ही नहीं है ना, इतना सा भी पैच मिलता नहीं है। और क्या यहाँ पे टर्न्स पे तो भाई धीरे चलाओ ज़रूरी है, इसलिए अपन धीरे हो गए, लेकिन वो जो थ्रिल आता है ना भाई मज़ा आ जाता है। अब अपन वहाँ तो जा नहीं पा रहे, खैर अच्छा हुआ धीरे कर लिए, देखो यहाँ चेकिंग चल रही है, फिर नज़र में आ जाते हैं कि अच्छा तो खैर मैं ये बोल रहा था अभी हाईवे वगैरह तो जा नहीं पा रहे अपन बहुत टाइम से, बट यहीं थोड़ा बहुत फील ले लेते हैं। और अब अपन पहुंच गए हैं परू के घर के बहुत पास में, बहुत ज़्यादा पास में, तो बस अब अपन मिलते हैं उससे, देखते हैं घर पे है भी कि नहीं, मतलब वो यूजुअली तो घर पे रहता है, मैंने कॉल किया था बट उसने उठाया नहीं, सो रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, तो एक बार जाके देखते हैं उसके घर पे कि वो है कि नहीं, और अगर होगा तो फिर उससे बतौले मारेंगे, नहीं हुआ तो फिर देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो अब अपन आ गए हैं परू के घर, और उसके डॉगी तो दोनों घूम रहे हैं।
ओह क्या हो गया पर कूदा फांदी मचा रहे हैं उसके डॉगी क्या भाई कूदा फांदी मचा रहे वो तो जगह ढूंढता ही ये वाला तो और भाई कोई भेदभाव नहीं किया पर ने एक देसी कुत्ता पाला है और एक विदेशी कुत्ता तो ये देसी वाला है और वो दूसरा रॉटवेलर है मतलब दोनों तगड़े हो रहे हैं और देखो रॉटवेलर फिर भी चुपचाप बैठा है ये इसको ज़्यादा मस्ती सूझ रही है चलो पर कहाँ है वो आ गया अरे पर्व को बुलाओ पर्व को आप कौन हो भैया पर्व को बुलाओ पर्व आप ही पर्व हो क्या क्या बात कर रहे हो हमने ये वाला तो भाई बहुत 5-1 साल हो गए ऐसा वाला पर्व देखे है? क्या हाल चाल भाई हाथ नहीं मिला ना अरे हाँ ठीक है हम तो सैनिटाइज क्यों ऐसे घर से A few moments later. क्या? I missed that bit. अच्छा. क्या गाड़ियां चमका दी उसने? कैसा लगा राइड करके बहुत दिन में जिंदा फील कर रहा हूँ अच्छा अब लगा जिंदा हूँ मैं सही है So guys, I am back. और ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ जरूर बताना मुझे कि कितना मजा आया और साउंड सुन के कैसा लगा लेकिन एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यार जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जितने भी मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं प्लीज एक काम करो कि बेल आइकन जरूर हिट कर दो नोटिफिकेशन ऑन कर दो जाके चैनल का क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस आप लोगों को आ नहीं पाते होंगे तो प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर दो यूट्यूब की पॉलिसीज अपलोड अपडेट होती रहती है तो इस वजह से नोटिफिकेशन ऑफ हो जाते हैं वो जो बेल आपने आइकन दबाया है ऑन किया है वो कई बार ऑफ हो जाता है तो एक बार चेक कर लो कि आपका ऑन है कि नहीं और सो दैट आपको रेगुलर अपडेट आते रहे और कोई भी आप वीडियो मिस ना करो सो गाइज जस्ट डू दैट एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मैजिशियन एडी को फॉलो करो एंड फक्र से बोलो आई एम मैड सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें वीडियो को लाइक करें उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें